एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 6 दिन में 1,87,00,000 का जुर्माना वसूला। जीती एक्सप्रेस में पकड़ी 2,61,000 की शराब, झुलसने से व्यक्ति की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोरोना के दूसरे लहर पर नियंत्रण के साथ ही सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। लोगों में एक बार फिर लापरवाही दिखने लगी है और बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में महानगर पालिका के एनडीएस दस्ते ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले 6 दिनों में एनडीएस ने बिना मास्क घूमने वालों से कुल 1,87,84,500 रुपए का भारी भरकम जुर्माना वसूला। शनिवार को 14 लोगों से 7,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। दस्ते ने 4 सितंबर से 9 सितंबर तक कुल 40,851 लोगों को बिना मास्क घूमने पर मामला दर्ज किया। इसमें से 5,470 लोगों से 200 रुपए और 35,381 लोगों से 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला गया। दूसरी खबर, मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल नागपुर द्वारा ट्रेन क्रमांक 02616 दिल्ली चेन्नई जीटी एक्सप्रेस से विदेशी शराब और 10 ट्रॉली बैग समेत 2,61,480 रुपए कीमत की विदेशी शराब और बैग पकड़ी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीटी एक्सप्रेस सुबह 10:15 पर प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंची। आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन के एसी कोच में भारी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही है। ट्रेन के आते ही पीआई आरएल मीना के निर्देशन में सहायक उपनिरीक्षक सीताराम जाट, मुनेश गौतम, राजेश गटपालवार, अनिल उसेंटी तथा मनोज काकड़ ने तलाशी शुरू कर दी। इसी बीच वातानुकूलित कोच B03 के सीट 41 से 40 के नीचे कुछ बैग संदिग्ध अवस्था में नजर आए। कोच के यात्रियों ने उन्हें अपना बताने से इनकार करने के बाद खोलकर देखने पर शराब की बोतलें नजर आई। तीसरी खबर, बाथरूम में गीजर फटने से एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक रामेश्वरी रोड निवासी दिलीप कृष्ण राव गावंडे है। 30 सितंबर को दिलीप ने गीजर शुरू किया। ओवरहीट होने के कारण गीजर फट गया। खोलता हुआ पानी उन पर गिर गया, वह बुरी तरह झुलस गए। उन्हें मेडिकल में भर्ती किया गया था। शनिवार की सुबह दिलीप ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक